प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान के बाद पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। गाजियाबाद भी इससे अछूता नहीं रहा। आपको बता दें कि गाजियाबाद जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर हजारों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों ने बिलावल भुट्टो के बयान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आक्रोश जाहिर किया और पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूका। विरोध करने वाले लोगों ने कहा कि पाकिस्तान वह देश जो हमेशा से ही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री पर इस तरीके के बयान देकर जनता को भड़काने का काम पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान भाजपा के महानगर अध्यक्ष के साथ साथ भाजपा के विधायक भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। साथ ही इस प्रदर्शन में अल्पसंख्यक समाज के लोग भी शामिल हुए। आपको उन्होंने साफ तौर पर इस बात को क्लियर किया कि पाकिस्तान की हरकत बेहद शर्मनाक है। रुक करते अगली खबर का, जहां देश भर में दलितों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचारों में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब दलितों के साथ अत्याचार ना होता हो। ऐसा एक मामला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सामने आया है, जहां खेत का कटा न लगाने पर आधा दर्जन गुंडों ने दलितों पर प्राण घातक हमला कर दिया। पीड़ित ब्रज किशोर सुंदर चड़ार और रवि कुशवाहा ने बताया कि रात्रि 10 बजे करीब वे पल्लेदारी कर टीकमगढ़ से वापस अपने गांव लौट रहे थे। तभी आरोपी अखिलेश कुशवाहा, मुकेश हरिओम राजराय और हरिनारायण ने पीड़ितों पर कुल्हाड़ी डंडों लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित बुरी तरह से घायल हो गए। तीनों पीड़ित किसी तरह जान बचाकर टीकमगढ़ मुख्यालय और पुलिस चौकी में अपनी आपबीती सुनाई। हालांकि अभी तक आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज नहीं हो सका है। भैया नाम क्या है आपका? ब्रज किशोर चड़ार। कहाँ से हो आप? किस थाना? क्या लगता टीकमगढ़। किस मामले में मारा? आपको भी मारा, आपके साथियों को मारा? किसने मारा? बाड़ी का गेट लगाने के पीछे निकल रहे थे, उनका जानवर घुस जाएंगे खेत में, बाड़ा लगा देना। किस किस ने मारा? कौन कौन है? वो कहाँ के? पठाने वासी हैं सब लोग। नाम बताए? अखिलेश कुशवाहा, अखिलेश कुशवाहा, हरिओम शुक्ला और एक वो राजा राय। तो हम लोग वहाँ बैठ रहे, वहाँ से वो आए तो एक जने आए के लिए गेट लगा देना। हम लोग तो एक गाड़ी खड़ी उनके जी हटे तो उनसे बोल दिया गेट लगाते जाना।